सात टीमों ने क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली है और इसमें जो जीतेगी वो क्वार्टर फाइनल में दस्तक देगी। तो टॉस जीता महापुरुष क्रिकेट क्लब टीम ने और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया और जय भैरी जांबारी टीम को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया है। जैसे ही ये मैच समाप्त होता है चिट्ठियाँ उछाली जाएगी और सिद्ध होगा कौन किन के साथ आज ही के रात में क्वार्टर फाइनल के मुकाबले खेलेगा, क्योंकि आज का यानी कि 29 तारीख का दिन निकल चुका है, 12 बजकर जा चुके हैं, डेट चेंज हो चुकी है और अब चलते हैं इस महत्वपूर्ण मैच की ओर। सात टीमें थोड़ी सी रिलैक्स रहेगी, अब ये दो टीमों के पास प्रेशर रहेगा क्वार्टर फाइनल में हम कैसे पहुंचे। स्ट्राइकिंग इन पर रहेंगे अक्षय और नॉन स्ट्राइकिंग इन पर रहेंगे गिरीश, पिछले मैच में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है। डिनर की वजह से मैं थोड़ा सा दूर था लेकिन वो मैच नहीं देख पाया, लेकिन इस बार इनकी बल्लेबाजी देखनी होगी। बहुत ही अच्छी गेंद थी अमोल भोसले की, ब्लॉक में गेंद की, कदमों का इस्तेमाल किया था पावर प्ले में, सीधे बल्ले से बैट का जो स्टांस है उसी से पता चलता है ये वी नेक पर ज़्यादा भरोसा रखते हैं बल्लेबाजी में और वही कोशिश यहाँ पर करना चाहेंगे पावर प्ले में। 30 गज के दायरे के बाहर दो खिलाड़ी आप देख सकते हैं, डीप मिड विकेट है, लॉन्ग ऑन है और वैसे ही गेंदबाजी यहाँ पर सजाई जा रही है। धीमी गेंद थी, स्वीप अटेम्प्ट किया है, एक रन देकर जाएगा ये स्ट्रोक और इस एक रन के साथ जो है जय भैरी जांबारी टीम का खाता खुलता हुआ। दो टीमों ने अचंभित करने वाले जो है यहां पर जो है जीत अर्जित की है। अभी अभी आपने देखा होगा मटेश्वर नाटे टीम ने फाइट क्लब पावर जैसे एक बड़ी टीम को प्रतियोगिता से बाहर किया आखिरी ओवर की सेकेंड लास्ट गेंद पर, और पिछली प्रतियोगिता की अगर बात की जाए तो कावड़े अंबेरे टीम ने तिरुपति बालाजी सावरडा को शिकस्त दी थी और इस बीच मैदान में क्या होता हुआ विकेट मिलता हुआ गणेश ने अच्छा कैच लपका, अमोल भोसले को ये विकेट मिलती हुई और आकाश धातकर इस समय जो है बीच मैदान में आते हुए पिछले मैच में कमाल की देखा जाए तो बल्लेबाजी की थी, गेंदबाजी भी अच्छी रही थी। तो आकाश गेंद को आकाश की ओर मारने के लिए हमेशा सज्ज होते हैं, तो इस मैच में सख्त ज़रूरत है, ज़रूर पिछले मैच के खेल से ज़रूर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा होगा और उसी कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाते हुए इस समय खेल करते हुए नजर आएंगे। देख रहा होगा अमोल भोसले पावर प्ले की इस समय जो है चौथी गेंद करके तीसरी गेंद पर सफलता मिली है और आकाश इस समय स्ट्राइकिंग एंड पर। इस खिलाड़ी का बने रहना बीच मैदान में जय भैरी जांबारी टीम के लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है और इस बार देखा जाए तो लेग स्टंप के काफी बाहर मोहिंदर जी भोले सर इनका वाइड का इशारा आता हुआ क्योंकि मेन अंपायर का रोल अदा कर रहे हैं, स्क्वेयर लेग अंपायर रहेंगे अनिकेत शिवलकर सर, दो मशहूर क्रिकेटर इस समय जो है इस प्रतियोगिता में अंपायर का रोल अदा करते हुए, बढ़िया अंपायरशिप रही है इनकी। तो अमोल भोसले गेंदबाजी मार्ग पर इस समय जो है सज्ज होते हुए, आकाश बहुत ही अच्छी गेंद थी, धीमी गति से यहाँ पर गेंद की थी, लेग ब्रेक गेंद एक रन पूरा किया, दूसरी की मांग करना चाहते थे, थ्रो यहाँ पर थोड़ा सा लेट आया और जब तक कि थ्रो करते दो रन बढ़िया आसानी के साथ मुकम्मल करते हुए और इस दो रनों के साथ रन संख्या बढ़ेगी 4 रन बिना विकेट के नुकसान पर और ये आज के दिन का आखिरी मुकाबला, इसमें जो जीतेगा सीधा क्वार्टर फाइनल में दस्तक देगा। कौन सी टीम रहेगी, जय भैरी जांबारी या महापुरुष क्रिकेट क्लब, देखना होगा, जो अच्छा खेल करेगा जरूर क्वार्टर फाइनल में दस्तक देगा। फुल टॉस गेंद थी, सिर्फ दिशा दी गेंद के नीचे मौका बनेगा लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी गलती हुई, राहुल थे वहाँ पर फील्डिंग के लिए और ये रन बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं दोनों भी टीमों के लिए। 5 रन बनेंगे इस एक रन के साथ, इस समय जो है गेंदबाजी मार्ग पर बहुत ही अच्छी गेंद थी, कैच का मौका बन सकता था
अंदरूनी हिस्सा लेते हुए गेंद डिकलेग क्षेत्र में जाएगी एक रन के लिए, और इस एक रन के साथ रन संख्या बढ़ेगी 6 रन। पावर प्ले का इस समय जो है बढ़िया ओवर रहा अमोल भोसले का, मात्र 6 रन खर्च किए और एक विकेट भी चटकाए अपने टीम के लिए। दूसरा ओवर लेकर आते हुए जिस खिलाड़ी ने पिछले मैच में बहुत ही शानदार गेंदबाजी की थी, राहुल राइट आर्म अराउंड विकेट गेंदबाजी करेंगे। 8-10 कदम का रन अप लेकर गेंदबाजी करने के लिए इस समय सज्ज होते हुए राहुल और आकाश रहेंगे स्ट्राइकिंग गेंद पर। तो राहुल दूसरी ओवर की पहली गेंद, बढ़िया स्ट्रोक खेला, फ्लिक शॉट देखने को मिला, क्या खूबसूरत स्ट्रोक है, बहुत ज्यादा ऊंचा और बहुत ज्यादा लंबा, आकाश के बल्ले से निकलता हुआ बहुत ही बेहतरीन छक्का, क्या बात है। ये टॉप क्लास खिलाड़ियों के रैंकिंग में आने वाला खिलाड़ी है जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहा है। इससे पहले तो मैंने इनको प्रतियोगिता में खेलते हुए नहीं देखा, लेकिन आज देख रहा हूं, लेकिन ये बेस्ट बल्लेबाज के रैंकिंग में बनते हुए, बढ़िया बल्लेबाजी, बैट का स्विंग, टाइमिंग, सब कुछ मिलाप होता हुआ, जिसकी वजह से ये खूबसूरत छक्का देखने को मिला हमारे सभी दर्शकों को। राहुल का स्वागत किया छक्के के साथ। तो राहुल की इस ओर की अगली गेंद आकाश के लिए, रिवर्स अटेम्प्ट करना चाहते थे और इस समय कह रहे हैं उछाल है, उछाल है गेंद में, अतिरिक्त उछाल है, बाल बाल बचे। देखिए जब सीधे बल्ले से रन बन रहे, इस प्रकार के स्ट्रोक जो है आपको मुसीबत में डाल सकते हैं, और ये स्ट्रोक जो है लगा तो ठीक है, नहीं तो बहुत ही मुश्किल है आपके लिए, और इस गलत स्ट्रोक को खेलना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होगा, लेकिन फिर भी आपको जोखिम तो उठाना ही होता है। 30 गज के दायरे के बाहर अगर खेलना है तो देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही बड़ा अपील किया गया था लेग बाइज के रूप में, गेंद जाते हुए निकले क्षेत्र में एक रन के लिए। महापुरुष क्रिकेट क्लब के खिलाड़ी भी जानते हैं आकाश का विकेट कितना महत्व रखता है, इसीलिए बारी बारी से उनको आउट करने का प्रयास बीच मैदान में जारी है। इस निकले क्षेत्र से रन संख्या आगे बढ़ेगी 13 रन। तो जरूर राहुल गेंदबाजी मार्ग पर, इस बार भी स्ट्रोक खेला है लेकिन ऊंचा है, कोई गलती नहीं करेंगे, कैप्टन आएंगे गेंद के नीचे, लॉन्ग आर्म के क्षेत्र में बढ़िया कैच और आकाश की पारी इस समय समाप्त होती हुई। काफी आके गेंद गई थी, शायद बल्ला घुमा था उनके हाथ से, देख सकते हैं, हाँ जी हाँ वही हुआ है, जिसकी वजह से जो ताकत जनरेट हुई थी वो थोड़ी सी यहाँ पर जो है डिस्ट्रॉय हुई, जिसकी वजह से ये हवा में ज़्यादा देर तक रही, लंबाई में नहीं गई, जिसकी वजह से ये विकेट मिलता हुआ, महत्वपूर्ण विकेट महापुरुष क्रिकेट क्लब टीम को इस समय मिलता हुआ आकाश के रूप में। तुषार आए हैं बल्लेबाजी के लिए इस समय, रन संख्या कुल मिलाकर बढ़ी है 13 रन। दूसरा ओवर राहुल का प्रगति पथ पर है, तो 2 गेंदे अभी भी शेष है इस दूसरी ओवर की। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, एक लंबा छक्का जरूर देखने को मिला, ऐसा लगा आकाश बहुत ही लंबी पारी यहाँ से सजाएंगे, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला, टॉपिच लगा और बाउंड्री लाइन के करीब जो है कैच को लपकते हुए। राहुल इस ओवर की अगली गेंद करेंगे, हल्के हाथों से खेला अपने फॉलो थ्रू में फील्ड करते हुए, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं, आकाश के आउट होने के बाद एक अच्छी साझेदारी यहाँ पर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जय भैरी जांबारी टीम को काफ़ी लंबा सफ़र तय करके आए हैं, जीत की उम्मीद लेकर, उम्मीद पर अगर खड़े उतरना है तो खेल तो अच्छा ही करना पड़ेगा। 13 रन बने 2 विकेटों के नुकसान पर, इस बार भी विकेट कीपर अमोल भोसले भी बीट होते हुए 22 के रूप में एक रन जुड़ता हुआ, और इस 1 रन के साथ रन संख्या बढ़ेगी 14 रन।
दो ओवर का खेल समाप्त हुआ है, 14 रन बने हैं। पहली ओवर में रन बने थे 6, दूसरी ओवर में रन बने 8। व्यक्तिगत दूसरा और टीम की ओर से तीसरा ओवर लेकर आते हुए अमोल भोसले काफी प्रभावित किया है इकोनॉमी। अगर देखी जाए तो 7 से कम है अमोल भोसले की गेंदबाजी में, और बल्लेबाजी के स्ट्राइकिंग रेट की बात की जाए तो उसमें तकरीबन 300 के करीब है। तो इस समय तीसरी ओवर की पहली गेंद लेकर राइट आर्म और विकेट से बहुत ही रफ्तार भरी गेंद थी, मौका जरूर था। गणेश वहां पर थे, अच्छी फील्डिंग राहुल द्वारा, एक रन मुकम्मल कर लिया। बहुत ही खूबसूरत थ्रो, सरेना हो रही है, अच्छा थ्रो था, नो डाउट, कोई यहां पर दिक्कतें नहीं है। एक्स्ट्रा कवर के सर के ऊपर से खेला गया था, एक रन जरूर जोड़ा, और राहुल की अच्छी फील्डिंग देखने को मिली। इस बार अच्छी गेंद थी, इशारा देखना होगा, जी हाँ, एक रन का आता हुआ, रन संख्या बढ़ी से एक रन के साथ 16 रन। तो जरूर अमोल भोसले सटीक लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी कर रहे हैं। तो तीसरी ओवर की तीसरी गेंद, धीमी गेंद थी, हल्के हाथों से खेला है, डीप स्क्वायर लेग की दिशा में फील्डर तैनात है, अच्छी फील्डिंग, जी हाँ। अब गेंद की रफ्तार से ज्यादा नहीं दौड़ सकते, इसीलिए मना किया, और एक रन पर ही संतुष्ट होना पड़ेगा। 17 रन बनते हुए तीसरा ओवर प्रगति पथ पर है इस समय। और इस बीच अमोल भोसले गेंदबाजी मार्ग पर, इस बार बढ़िया स्ट्रोक खेला है, डीप में खिलाड़ी बंटी थे, बहुत ही खूबसूरत फील्डिंग देखने को मिली है, और एक रन पर ही संतुष्ट होना पड़ेगा। अच्छा थ्रो बंटी का, तो जरूर अमोल भोसले इस बीच जो है गेंदबाजी के लिए सजोते हुए, इस बार बहुत ही रफ्तार भरी गेंद की, डॉट गेंद आते हुए सटीक ब्लॉक में गेंद कर रहे, तो ये मौका नहीं दे रहे बल्लेबाज को। रन संख्या रुकी हुई 18 रन पर, तीसरा ओवर प्रगति पथ पर है, और अब तक मात्र जो है 4 रन खर्च किए हैं, किफायती गेंदबाजी रही है। तीसरी ओवर की आखिरी गेंद अमोल भोसले की, बढ़िया गेंदबाजी, बढ़िया ऑलराउंड परफॉर्मेंस करते हुए, बहुत ही जबरदस्त गेंद, धीमी गति से गेंद की, और इसी के साथ 3 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ, रन संख्या बढ़ी है मात्र 18, 6 रन के औसत से यहां पर जो है रन बनते हुए नजर आ रहे। आने वाली 12 गेंदों पर देखना होगा कितने रन जोड़ने में कामयाब होते हैं। इस बीच विलास आए हैं, पहली गेंद को कवर के सर के ऊपर से खेलना चाहते थे, ठीक है, कवर और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से अगर थोड़ा सा जोर से खेलेंगे तो निश्चित रूप से आपको 4 रन जरूर मुकम्मल होंगे, वही कोशिश बल्लेबाज की रही थी। गिरीश प्रयास तो अच्छा था लेकिन अंदरूनी हिस्सा लेते हुए डिक्लेयर क्षेत्र में जाते हुए एक रन के लिए। और इस बीच
बहुत ही अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, विलास की कैप्टन है, भली बात ही जानते हैं हर गेंद का महत्व है और हमेशा अच्छी गेंदबाजी की है, जबरदस्त कैप्टन है कैप्टन कूल, और पूरी तरीके से बांधे रखा है इस टीम को, बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन। इस बार स्क्वेयर लेग की दिशा में खेलना चाहते थे, अमोल भोसले गेंद के लिए जाए, कैच यहाँ पर छूटता हुआ, गेंद के लिए आए थे, गिरीश का विकेट बहुत ज्यादा मायने रखता था और शायद ये आखिरी समय पर गेंद थोड़ी से आगे चली गई, जजमेंट थोड़ा सा यहाँ पर गलत होता हुआ, तो एक रन दौड़कर पूरा करते हुए विलास नफीतुरी गेंदबाजी करते हुए रन संख्या आगे बढ़ेगी। इस बीच इस ओवर की अगली गेंद विलास की, देखा जाए तो ऑफ स्टंप के काफी बाहर, इशारा आएगा वाइड का, अतिरिक्त रन आगे बढ़ता हुआ। विलास अगली गेंद करेंगे, इस बार बढ़िया स्ट्रोक है, फील्डर तैनात है गेंद के नीचे, राहुल है, आज ग्राउंड के चारों ओर राहुल ही नजर आ रहे हैं, आज तो राहुल छा रहे हैं, और विलास ने और एक सफलता दिलाई अपने टीम के लिए और रन संख्या रुकी हुई 20 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर। तो जरूर चौथा ओवर प्रगति पथ पर है और इस बीच जरूर बढ़िया गेंदबाजी कर रहे विलास, कहीं ना कहीं यहां से देखा जाए तो अच्छी गेंदबाजी यहां पर चल रही है जिसकी बदौलत मात्र 20 रनों पर रोकने में कामयाब रहे और विलास अच्छी गेंदबाजी करते हुए, और इस बीच कट करना चाहते थे जरूर डॉट गेंद आती हुई, स्कोरबोर्ड की अगर बात की जाए तो 21 रन 3 विकेटों के नुकसान पर बने हैं। विलास इस समय गेंदबाजी मार्ग पर काफी अच्छा स्ट्रोक खेला, गणेश आए गेंद के नीचे, मौका बनेगा थ्रो, यहां पर थोड़ा सा गलत होता हुआ, जी हाँ, एक रन बनाने के चक्कर में, दूसरा गेंद को रोकने के चक्कर में थोड़ी सी यहाँ पर टक्कर हुई, लेकिन फिर भी अपने आप को संभालते हुए एक रन यहाँ पर जो है मुकम्मल कर लिया है, 22 रन बने हैं 3 विकेटों के नुकसान पर, बढ़िया ओवर रहा विलास का भी, मात्र 4 रन खर्च किए। तो गणेश गेंदबाजी के लिए आते हुए, पिछले मैच में जबरदस्त गेंदबाजी की थी गणेश ने और इस बार इस महत्वपूर्ण मैच में देखना होगा किस तरीके से गेंदबाजी करते हैं, राइट आर्म ऑफ द विकेट से 30 गज के दायरे के यहां से दौड़ते हुए आएंगे गेंदबाजी के लिए, पटकी हुई गेंद थी और इस बार मौका बनेगा कॉटन बॉल का, गेंद के नीचे खुद आए हैं, गलती नहीं होगी, बढ़िया कैच और पहली गेंद पर विकेट मिलती हुई गणेश को, रन संख्या अभी भी रुकी हुई 22 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। केतन आए हैं जय भेरी जांबारी की ओर से इस समय जो है बल्लेबाजी करने के लिए, तो गणेश इस समय 5वीं ओवर की अब दूसरी गेंद करेंगे और बल्लेबाजी के लिए आते हुए केतन इस बार लंबा स्ट्रोक जड़ना चाहते थे और नो डाउट रन आउट का विकेट यहां पर मिलता हुआ, बढ़िया गेंदबाजी गणेश द्वारा इस समय देख सकते हैं,
रफ्तार के साथ गेंद कर रहे हैं। 22 रन बने हैं। नए बल्लेबाज आएंगे केतन की जगह लेने, स्वप्नज। और अच्छी गेंदबाजी यहां पर चलती हुई महापुरुष क्रिकेट क्लब की ओर से। गणेश गेंदबाजी मार्ग पर, इस बार टॉपिज लगा है और ये टॉपिज देकर जाएगा एक रन। एक रन के साथ रन संख्या बढ़ेगी 23 रन, 23 रन। पांच विकेटों के नुकसान पर बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। अब तक एक ही रन खर्च किया है गणेश ने। तो पहली इनिंग की आखिरी ओवर के और 3 गेंदे शेष है। इस बार बहुत ही अच्छी गेंद थी क्रीज का, यहाँ पर जरूर इस्तेमाल किया था अमोल भोसले विकेटों के बीच बढ़िया कार्य करते हुए। इतना क्लोज, इतने पेस गेंदबाज के खिलाफ करना इतना आसान नहीं होता। और इस बार बढ़िया विकेट कीपिंग करते हुए गणेश। इस बार गेंद को खेला है लेकिन गेंद ने आखिरी समय पर रुख बदल लिया। एक रन पूरा करेंगे, दूसरे के लिए दौड़ेंगे और दूसरा रन भी बढ़िया आसानी के साथ पूरा करते हुए 2 रनों के साथ रन संख्या बनती हुई 25 रन। तो पहली इनिंग की अब आखिरी गेंद रहेगी। काफ़ी कम स्कोर यहां पर भी बनता हुआ, अच्छी गेंदबाजी महापुरुष क्रिकेट क्लब की देखने को मिल रही है। और गणेश भी शानदार गेंदबाजी का नमूना पेश कर रहे हैं। इस बार भी पटकी हुई गेंद डायरेक्ट हिट यहां पर हुई तो शायद ही विकेट बन सकती थी। इस बार एक ही जगह पर 2 रन मुकम्मल करते हुए इस 2 रनों के साथ रन संख्या बढ़ेगी 27 रन, 27 रन। और 28 रनों का यहां पर जो है टारगेट दिया है देखा जाए तो महापुरुष क्रिकेट क्लब टीम को। 30 गेंदे 28 रनों की जरूरत इस मुकाबले को जीतने के लिए।
चलते हैं मैच के दरमियान। जय भैरी जांबारी टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 27 रन जोड़े 28 रनों का लक्ष्य दिया है महापुरुष क्रिकेट क्लब टीम को। 30 गेंदे 28 रन की जरूरत। आकाश आए गेंदबाजी के लिए, एक कट्टर गेंदबाज। पावर प्ले की पहली ओवर की पहली गेंद अमोल भोसले के लिए। इस बीच कट करना चाहते थे, गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में जाएगी। डॉट गेंद आती हुई तो जरूर सर थोड़ा सा समझना चाहते, उसके बाद अपना शॉट सिलेक्शन यहां पर करना चाहेंगे। बंटी नौस्टा गेंद पर रहेंगे, सबसे सफल जोड़ी महापुरुष क्रिकेट क्लब की। कट किया है, जी हाँ, आसानी के साथ जो है एक रन देकर जाएगा इस स्ट्रोक का। और कैलकुलेशन पर ही क्रिकेट खेलने के लिए अमोल भोसले को जाना जाता है और ये बड़े मुकाबले में अच्छे रन बनाता है। तो जरूर एक रन से खाता खुला है महापुरुष क्रिकेट क्लब टीम का। आकाश गेंदबाजी मार्ग पर, इस बार बढ़िया कनेक्शन देखने को मिला। ये अमोल भोसले का ब्रांड है, डीप में फील्डर थे लेकिन उनके सर के ऊपर से कोसों दूर गेंद चली गई 6 रनों के लिए। बढ़िया टाइमिंग, और इसी टाइमिंग की मिसाल देते हैं अमोल भोसले की, जिस तरीके से वो कनेक्ट करते हैं गेंद को। पहली दो गेंदें देखी उन्होंने, देखा ऑफ साइड थी, ऑफ स्टंपर थी, उसके बाद थोड़ी सी शॉर्ट पिच गेंद आई और बल्ले का पेस खुला और गेंद को भेजा है बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। अमोल भोसले के बल्ले से छक्का निकलता हुआ तो 7 रन बने इस छक्के के साथ और 21 रनों की जरूरत मुकाबले को जीतने के लिए। इस बार ये रुकेंगे नहीं, ऊंचा भी है बहुत लंबा भी है अमोल भोसले का, और एक छक्का इस समय लगता हुआ। बढ़िया स्ट्रोक और इस छक्के के साथ रन संख्या बढ़ेगी 13 रन। देखिए ये बड़े खिलाड़ी की क्वालिटी होती है, पहले आप समझ ले उसके बाद अपने स्ट्रोक सिलेक्शन करें। पहली दो गेंदे देखिए, पहली गेंद डॉट जरूर चली गई, दूसरी गेंद पर सिंगल जरूर बना लेकिन उसके बाद लगातार दो गेंदों को ऐसे कनेक्ट किया जिस पर बहुत सारे रन बने। रन संख्या बढ़ी है 13 रन। इस बार भी सीधे बल्ले से खेला है, क्या बात है, लॉन्ग ऑफ के सर के ऊपर से गेंद जाएगी तारामंडल बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन। मोहिंदर जी भोले सर भी इस समय जो है अपना नजारा सभी दर्शकों को दिखाते हुए, क्या बात है। और छक्कों की हैट्रिक इस समय की है अमोल भोसले ने और 6 के साथ रन संख्या बढ़ी है 19 रन, मात्र 9 रनों की जरूरत है। पहले दिन गौरव नागवेकर ने छक्कों की हैट्रिक की है और इस बार लंबा स्ट्रोक जड़ना चाहते थे, गेंद के नीचे जरूर फील्डर आएंगे और थोड़ा सा प्रयास किया लेकिन 2 रन देकर जाएगा इस स्ट्रोक का। और मैं बात कर रहा था छक्कों की, पहले दिन गौरव नागवेकर ने जो कि श्रीजा 11 गुडेवटार के खिलाड़ी है 3 छक्के जड़े, उसके बाद सालिम कोतवड़ेकर जो कि फ्रेंड्स कोतवड़े के खिलाड़ी है 3 छक्के जड़े, उसके बाद देखा जाए तो पिंपली 11 चिपलून के प्रवीण विटमल ने 3 छक्के जड़े हैं लगातार, और अभी अमोल भोसले इस रैंकिंग में आते हुए। रन संख्या बढ़ी है इस 2 रनों के साथ, कुल मिलाकर देखा जाए 21 रन बने, 7 रन दूर है महापुरुष क्रिकेट क्लब की टीम। दूसरा ओवर लेकर आते हुए अक्षय आए हैं गेंदबाजी के लिए, बंटी स्ट्राइकिंग एंड पर रहेंगे। दूसरी ओवर की पहली गेंद, पहले ही ओवर में अमोल भोसले ने इस मैच को स्प्राइट की तरह क्लियर किया है। इस बार हल्के हाथों से खिलाड़ी थे डीप में, 1 रन पर ही संतुष्ट होंगे और इस 1 रन के साथ रन संख्या बढ़ेगी 22 रन और जीतने के लिए 6 रन की जरूरत है। और अपने नेचुरल स्टाइल में अमोल भोसले इस मैच को फिनिश करना चाहेंगे। और एक बड़ा रिकॉर्ड भी अमोल भोसले के नाम है जो छक्का मारकर मैच को फिनिश करते हैं, ये भी रिकॉर्ड है। पिछला मैच भी छक्का जड़ते हुए मैच को फिनिश किया, इस बार भी क्या वो कारनामा करेंगे देखना होगा। जी हाँ, किया है अमोल भोसले के बल्ले से मैच विनिंग छक्का निकलता हुआ और इसी के साथ महापुरुष क्रिकेट क्लब ने क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। वेल प्लेड, वेल प्लेड, वेल प्लेड। जय भैरी जांबारी टीम, आपने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, आपका भी हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। या स्पर्धेचे सर्वे सर्वा सन्माननीय मुन्ना मयेकर सर यांच्या शुभ हस्ते अमोल भोसले याला सामनावीराचा बहुमान देण्यात येतोय। नक्कीच
सलग दुसऱ्या सामन्यामध्ये सामनावीराचा बहुमान अमोल भोसले याच्या नावावरती जातोय. टाळ्या होऊ दे अमोलसाठी. राहुलजी पिलनकर सर, मुन्ना मयकर सर या वेळेला व्यासपीठावरती पाहता. या स्पर्धेचे सर्वे सर्वा आहेत. मी अमोल भोसले यांना विनंती करतोय व्यासपीठावरती या आणि आपला बहुमान स्वीकारा. टाळ्या होऊ दे अमोल भोसलेसाठी. मिका सिक्सर किंग म्हणून रत्नागिरीमध्ये ओळखला जातो याचं मूर्तिमंत उदाहरण या स्पर्धेमध्ये दाखवलंय. जय भैरी जांभारी. वेलप्लेड मित्रांनो, पुढील स्पर्धेसाठी मनपूर्वक शुभेच्छा. टाळ्या होऊ दे अमोल साडी. वेलप्लेड. तर आठ संघ दाखल झालेत क्वार्टर फायनल मध्ये. तर सर्व प्रेक्षकांना सांगू इच्छितो की आता चिठ्ठ्या उडवल्या जातील. कोण कोणाबरोबर उपउपांत्य फेरीची लढत खेळेल हे कळेल, परंतु कोणाचा सामना किती वाजता आहे हे कमिटी डिसाइड करेल आणि तुमच्यापर्यंत आम्ही पोहोचू. तर थोड्याच वेळामध्ये चिठ्ठ्या उडवल्या जातील आणि चिठ्ठ्याद्वारे स्पष्ट होईल की कोणता संघ कोणत्या संघाबरोबर उपउपांत्य फेरीची लढत खेळेल. आपण कुठेही जाऊ नका, पाहत रहा जय भैरव चषकाचा थरार. सगळ्यांना कळेल जे आले नाही. चला जी या ठिकाणी संघ उपस्थित आहेत, संघ नायक लक्ष द्या. चिठ्ठ्या उडवल्या जात आहेत. थोडस लक्ष द्या. पिंपळी इलेवन चिपळूण. सर्व संघांनी थोडस लक्ष द्या मित्रांनो. नक्कीच मित्रांनो लक्ष द्या. पिंपळी इलेवन चिपळूण या संघाविरोधामध्ये ज्या जो संघ येईल तो संघ चौथा क्वार्टर फायनलचा सामना खेळेल. कारण का खूप चांगला संघ आहे, स्पर्धा लवकर सुरू होणं गरजेचं आहे. कोणताही संघ असू दे त्यांच्या विरोधामध्ये तो संघ चौथा उपउपांत्य फेरीचा सामना खेळेल याची दक्षता घ्या. तर निश्चितच चिठ्ठ्या उडवल्या जात आहेत. दोन चिठ्ठ्या काढल्या जातील, त्याच संघाचे सामने असतील. आपण पाहताय मुरुगवाडा क्रिकेट क्लब आयोजित जय भैरव चषक 2023 पर्व पाचवं आणि पाचव्या पर्वामध्ये उपउपांत्य फेरीच्या लढतीसाठी चिठ्ठ्या उडवल्या जात आहेत. तर नक्कीच दोन चिठ्ठ्या काढायची आहेत. तर पाहूया कोणता संघ कोणत्या संघाविरोधामध्ये खेळताना दिसेल. देखना होगा किसका किस्मत यहां पर आया है. पहिली टीम है राम जानकी सिद्धि विनायक गावखड़ी और बनाम जय भैरी मुरुगवाड़ा.
हम आपको बता रहे हैं इस ऐसे ये क्वार्टर फाइनल का मुकाबला रहेगा, एक तरफ राम जानकी सिद्धिविनायक गावकड़ी, दूसरी ओर जय भैरी मुरुगवाड़ा। ओके, पहली टीम क्वार्टर फाइनल की मिल चुकी है। और इस समय नवलाई पावनाई मिर्या बनाम टीम रहेगी लिटिल मास्टर आ रहे। हम दिखाना चाहेंगे आपको ये जो नाम है। जी हाँ, ये दूसरा मुकाबला ऐसा रहेगा, तो जरूर कैमरे पे सफवान बारगीर आप तक ये दृश्य पहुंचा रहे हैं। और तीसरा मुकाबला जो कि यहाँ पर नाम आया है, माटेश्वर नाटे बनाम पिंपली 11 चिपलून। और इस बार यहाँ पर और इस समय और आखिरी जो टीम बची है वो है श्रीजा 11 गुडेवटार बनाम महापुरुष क्रिकेट क्लब। तो जोरदार तालियां होनी चाहिए मेरे दोस्तों इन क्वार्टर फाइनल के लिए, मजा आने वाला है। जी हाँ, बहुत ही